मुझे भी सौभाग्य मिला उस वक्त में गाड़ी में साथ रहने का। हरदीप जोशी जी थे चीफ मिनिस्टर, वो भी साथ थे। 3 दिन तक 9 जिलों के दौरे जाके गांव-गांव रुकना, लोगों को पूछना मजदूरी कितनी मिल रही है, टाइम पे मिल रही है क्या, पीने के पानी का क्या प्रबंधन है, गायों के लिए चारे का क्या प्रबंधन है, गहराई से दौरे हुए थे उस जमाने के अंदर। और वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मैं पहली बार माना चीफ मिनिस्टर, तब तो 3-4 अकाल लगातार पड़ गए थे, आप सबको मालूम है, मीडिया वालों को, पूरे देश के अंदर चर्चा थी उसकी। वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमारी इमदाद करी गेहूँ को लेके, वर्क फॉर फूड, इतना गेहूँ हमने बांटा गांव-गांव के अंदर, आज भी गांव वाले जा सकते हैं। उस वक्त तो सोनिया गांधी जी के, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी जी साथ रहा करती थी, जो प्रभारी थी उस वक्त, हमने इतने दौरे किए मुझे भी याद नहीं है, अनेकों जिलों के अंदर, उसमें विशेष रूप से तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर सभी शामिल हैं, अजमेर, मतलब हर जगह अकाल की सूखी स्थिति थी। वहाँ राजस्थान भर में दौरे करना बहुत बड़ी बात थी, गर्मी के अंदर, लू के अंदर, इतने दौरे किए कुछ सोच नहीं सकता। अकाल सूखे के अंदर उनका जो भाव थे हमारे प्रति, हम कभी नहीं भूल सकते। बल्कि एक बार तो वो हमें ले गई, प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिलवाने के लिए खुद साथ चली। आप सोच सकते हो कि प्रणब मुखर्जी साथ थे, चिदम्बरम साथ थे, मिस्टर चिदम्बरम साथ थे, जहाँ तक मुझे याद है, बिलासराव देशमुख के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन महाराष्ट्र के, वो साथ थे। हम सबको ले गई पीएम हाउस के अंदर, वाजपेयी जी से मिलवाया, मीटिंग करवाई वहाँ पर, और ये दबाव बनाए उनके ऊपर कि हमारे राज्यों में अकाल और सूखा बहुत भयंकर पड़ गया है, महाराष्ट्र के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी, उसमें आप आगे आगे मदद कीजिएगा। उस वक्त जो हमें इमदाद मिली थी, अगर कोई इंटेलेक्चुअल इन बातों का विश्लेषण करे, जो करते भी आज पूरे कंट्री में, जो उस वक्त के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं या जो जिनका इंटरेस्ट है, आज भी मुझे कहीं मिलते हैं वो, कहीं प्लेन में या कहीं पर, वो उस अकाल सूखे के प्रबंधन की तारीफ करते हैं जो हमने यहाँ पे किया था। तो कहने का मतलब कि कोई भी घटना विकास की हो, सोनिया गांधी जी ने मेरा इंटरेस्ट लिया। रिफाइनरी लगना असंभव था, HPCL ने मना कर दिया था, केंद्र सरकार के मंत्री जी भी रिलेक्टेंट थे क्योंकि मजबूरी थी, कोई एग्री नहीं कर रहा था। तब सोनिया गांधी जी आ गई और मनमोहन सिंह जी से बात करी, UPA चेयरपर्सन थी वो उस वक्त में, और रिफाइनरी का फैसला करवाया, और खुद आई थी यहाँ पर 55 के अंदर शिलान्यास करने के लिए। मिस्टर वीरप्पा मोली थे, मंत्री थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो आई थी, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। बाकी तो चाहे जयपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई योजनाएं हो, केंद्र से UPA से हमें मदद लेने की बात हो, कहीं कोई अड़चन आ रही हो, मतलब एक इतिहास उन्होंने बना दिया। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, तो हमें गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो, वो एक महान नेता, और कई वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का। आज ये खबर पूरे देश में, दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज, तो जो हमने कहा है राजस्थान के बारे में कि पिछले चुनाव कैंपेन में हमने जो गवर्नेंस दिए राजस्थान में, जो स्कीम हम लेके आए थे, वो आप सब सामने हैं, और हमने विकास की बात भी करी थी, आर्थिक विकास के लिए हमने विशेष अभियान चलाया था, हम लोगों ने राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाने की बात करी थी, ये तमाम बातें हैं। पर 4 कानून बनाए केंद्र सरकार ने, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नरेगा, उस पर भी अमित शाह लगी हुई है सोनिया जी की,
तो आप सोच सकते हो कि जिसका इतना अनुभव हो देश के लिए, समस्याओं के लिए, राजस्थान के लिए,